उसके अपने पेट्रोल पंप है, उसकी कोई फूड चेन चल रही है, करोड़ों का बिजनेस है, और वो एयर कंडीशन कमरे से निकल के एयर कंडीशन गाड़ी में, वो भी पिछली सीट पे बैठ के, एक ड्राइवर हायर किया हुआ है, और एयर कंडीशन मस्जिद में बैतुल्ला में जाके नमाज पढ़ लेता है और कहता है जी मुझे 1,00,000 नमाजों का सवाब मिल गया। ठीक है, मिल गया, लेकिन उसके अगेंस्ट एक शख्स इंडी इस्लामाबाद में तपती दोपहर के अंदर जून जुलाई की गर्मी में रोड के किनारे खुदाई कर रहा है मजदूर, और नमाज का वक्त आता है तो वो अपना परना जो उसने सर पे बांधा हुआ है वही एक ग्रीन बेल्ट के ऊपर बिछाता है, साइड से एक चश्मे से या किसी टूटी जो लगी हुई है वुजू करता है, अजान की आवाज़ सुन के बगैर जमात के नमाज पढ़ता है। तो अब मैथमेटिकल आप कैलकुलेशन करेंगे कि उसकी 1,00,000 नमाज इमाम काबा के पीछे, और ये तो बगैर जमात के, और जमात तो 27 गुना है, ये तो बेचारा कमजोर धागे से बंधा हुआ है। अल्लाह ताला के नजदीक शायद इसकी एक नमाज उसके जो गिवन सरकमस्टांसिस हैं उसकी पूरी जिंदगी की नमाजों से बढ़ के हो।